गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ SJ व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम धर्मशाला में हैं और धर्मशाला में हमने अपनी कैंपिंग स्टार्ट की है, कैंपिंग ट्रिप, जहां पर मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर आएं और हमारे साथ कैंपिंग करें। आपको पहले भी इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको सारे कैंप सारा डिटेल सब कुछ बता रखा है, लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको मैं बोलूँगा कि कैंपिंग करने में वो बहुत ही डेयरिंग है। मैंने उनका नाम भी डेयरिंग हिमाचली कपल रखा है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये बंदे हिमाचल से हैं, ये दीपक भाई हैं, ये उनकी वाइफ है, और ये लोग अपने कार को अभी तक कहाँ कहाँ लेकर गए हो ये बताओ पहले। कार को भाई स्पीति, लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, तो मतलब पहाड़ सारे कवर कर लिए। अब देखो ये नॉर्मल बात है कि कोई बंदा अपनी कार को ऐसे ऐसे जगह पर ले जा रहा है। अब मैं पूछूंगा इनकी कार कौन सी है। ऑल्टो के टेन। और सिर्फ उसमें वो लेकर नहीं गए, उसमें वो प्रॉपर कैंपिंग सेटअप बनाकर, कभी कभी तो उसके अंदर भी आपने स्लीपिंग वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट किया। मैक्सिमम उसी के अंदर मैक्सिमम। हाँ, तो ये मैं भी इनको बहुत पहले से निशान भाई के वीडियोस में मैंने इनको देखा था और इनको देख के मुझे बहुत ऐसा लगता था कि यार ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। तो हम तो आपको बहुत पहले से देख रहे थे, मैं तो शुभम भाई को मतलब काफी पहले से देखता था गाइस, लेकिन मुझे पता नहीं था कि शुभम भाई मुझे खुद बुलाएंगे और मैं इनसे मिलूंगा कभी। तो मतलब बात तो हमारी होती थी कुछ टाइम पहले से, तो बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा बल्कि मिलके, और निशांत भाई से भी, आपसे भी। तो धीरे धीरे आज हमारे इस पूरे कैंपिंग ट्रिप में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, तो हमने सोचा कि आज तो प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे हम कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कैंपिंग स्टाइल में, हम इनसे थोड़ा सीखेंगे क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कैंपिंग करते हो। राइडिंग मैं भले ही ज्यादा करता हूं, कैंपिंग में इनका हाथ मेरे से बहुत ऊपर है, लेकिन राइड के साथ कैंपिंग वो भी तो मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं यहाँ पर चाय। तो यहाँ पर जो चाय बन रही है वो आदर्श भाई स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। आदर्श भाई ने क्या क्या लिया है देखो, सबसे पहले इनके पास है कैंपिंग स्टोव और इसके साथ ब्यूटेन गैस, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं क्योंकि क्या हुआ गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, जोर से। ठीक है, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। हाँ, लग आग लगा दी आदर्श भाई आपने तो। और दो दो ब्लॉगर इसका जो पर्पस है ये दिखाओ जरा, वो देखो यार। हाँ, नया ही लेकर आया था, फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है। ये देखो यार, ये हमने इसको मंगाया ही इसलिए था कि हम इस पर वीडियो बनाएंगे। चाय तो हम किसी भी बना सकते, लेकिन आपको याद है ना इस पर पानी ऐसे उबल जाता है। लास्ट टाइम हमने आदर्श भाई के हाथ की चाय पी थी, मेरे जब घर वाले आए थे, वो अभी भी उस चाय को याद करते हैं। आदर्श भाई ऑल द बेस्ट। जो बीत गए सो बात दे। ठीक है हम नई शुरुआत कर रहे हैं, नई अच्छी चाय। ठीक, आओ यार चीयर्स करते हैं चाय को लेकर। चीयर्स टू आवर स्पेशल गेस्ट। यस, और चीयर्स टू आदर्श भाई आल्सो। चीयर्स। चलो पहला पीते हैं, देखते हैं। बढ़िया है। अच्छी है। आप भी बोलो बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। नहीं, चाय इस बार सच में अच्छी है। कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं, अच्छी है इस बार ही। गाइस देखो, चाय भले ही अच्छी बनी है, क्रेडिट आदर्श भाई से ज्यादा चीनी को जा रहा है। नहीं, अच्छी बनी है। सिर्फ चीनी डालने से चाय नहीं बनती, सही, उसमें दूध और पत्ती भी डलती है, पानी भी डलता है। लोग भी अच्छे अच्छे है ना। तो यार चाय वगैरह पीने के बाद अभी अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर अपने सिटिंग एरिया में, जो आपको बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ठंड हो रही है। और ऑल्दो हम यहाँ पर बॉनफायर जला सकते थे, लेकिन हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ही बॉनफायर करेंगे और वहीं पर बैठेंगे। फिलहाल सनसेट हो गया है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना यहाँ पे पूरा जो धौलाधार रेंज है पूरा एकदम जो सूरज की लालिमा है वो बहुत प्यारी दिख रही थी। ये आपको DK भाई के वीडियो में दिखेगी, आप हिमाचली कपल को सब्सक्राइब करके उधर देखना। तो यार चाय पीने के बाद हमने थोड़ी सी की बॉनफायर और अभी हमारा प्लान है थोड़ा सा बारबेक्यू करने का। अब दीपक भाई आए हैं, तो दीपक भाई हैं पूरे प्योर वेज, तो आज हम बारबेक्यू करेंगे ओनली वेज। वेज के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पे जो नियरेस्ट मार्केट है,
वहाँ जा रहे हैं हमारे साथ, पीछे दीपक भाई और इधर आदर्श भाई। कहाँ जा रहे हैं बताओ कुछ? वैसे ही बात बोला तो बारबी को नहीं कर रहे हम, तो थोड़ा सा चेंज है। ओ हाँ, हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। हाँ। यार एक्चुअली तीन दिन से यही कर रहे हैं बारबेक्यू, तो मैं भूल जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने देखा कि मैंने बहुत डरते हुए बोला कि मैं ये बोलूं बात कि नहीं, यार तीन दिन से बारबेक्यू कर रहे हैं। सही में हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, कढ़ाई पनीर चूल्हे पे। तो अभी फिलहाल हम सामान ले जाते चलते हैं। बहुत दिनों से यार राइड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसा बैठ गया कि जब राइड स्टार्ट करते ना तभी बोलते हैं कि यार महादेव का नाम लेके। तो अभी ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो की और आज के इस ड्राइव की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो हम यहाँ पर सामान लेने आए थे और हमारी बहुत अच्छी खासी बातचीत हो गई लोगों से। सबसे पहले हमें भाई मिले। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश है। रजनीश भाई मिले, इन्होंने बोला कि रजनीश भाई हमारी वीडियो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारे, आपका नाम राकेश है? जी जी सर। राकेश भाई मिले, इनका यहाँ पे पूरा शॉप है जहाँ से हमने फिलहाल पनीर लिया है और इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया। थैंक यू सो मच। तो सामान वगैरह लेकर हम आ गए हैं अपने किचन में। तो हम यहाँ पर वापस आ गए हैं और वापस से हमने अपने बॉनफायर को रिज्यूम कर दिया है। ये थोड़ा देर के लिए पॉज हो गया था। बाकी ठंड कैसी लग रही है आपको? ठंड है? हाँ, मीठी मीठी है, कैसी है? है ठंड है, बहुत है। लेकिन ये जो बॉनफायर है ये बहुत आराम दे रहा है और मजा आ रहा है भैया। इसके अलावा, इसके बिना तो बहुत दिक्कत है, ये एक सहारा है। तो हमारी कुकिंग स्टार्ट हो गई है, कढ़ाई आ गई है, पनीर आ गया है, हमारे शेफ साहब आ गए हैं और हम लोग बना रहे हैं कौन सा पनीर? गठबंधन की पनीर, क्योंकि सब मिल के बना रहे हैं। ये लगा रहा है ना, इला इला इला, डर मत, ये नहीं जलता। अरे वाह, यहाँ पे अब टेस्ट करने को मिलेगा। अब जो इंतजार की घड़ी है वो समाप्त होते हुए दिख रही है। देखो कैमरे पे सारे लोग कहते बढ़िया बना है। पता क्या है, जैसे ही मुंह में डाला दाम वाली फील आ गई। पहली बात तो मतलब मस्त है। शुभम भाई परेशान, शुभम भाई परेशान, हैरान परेशान। नहीं नहीं, मुझे भाग के जाना पड़ेगा, चपाती लानी पड़ेगी। ले जाओ भाई, ना सच में खत्म ना हो जाए। इसमें बहुत बढ़िया बनाया। तो भाई हमारे यहाँ पे गठबंधन का चिकन भी, चिकन नहीं, गठबंधन का पनीर तैयार हो गया है और साथ साथ में हम चिकन भी खा रहे हैं। पनीर का जो टेस्ट था एक नंबर। तो यार खाना वगैरह खाने के बाद हम आ चुके हैं अपने टेंट पे और आज हम भी कैंपिंग कर रहे हैं डीके भाई के साथ। और ये जो कैंप है ये है मेरा 2% टेंट। इससे पहले जब भी मैंने कैंपिंग की है मैंने की है 3% टेंट में, तो ये थोड़ा सा ऐसा कॉम्पैक्ट है। लेकिन अभी मुझे पता चला कि जब भी आप ठंड में कैंपिंग करें तो जितना छोटा टेंट रहेगा उतना सही मामला रहेगा, क्योंकि छोटा टेंट में यार हीट ट्रैप जल्दी हो जाएगा। बड़ा टेंट में अगर आप लोग कम हैं तो हीट ट्रैप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको ठंड लगेगी। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा स्लीपिंग बैग इधर भी है और इधर भी है, एक तकिया भी है और देखते हैं। वैसे तो ये -5 वाला स्लीपिंग बैग है, अभी टेम्परेचर 5 डिग्री हो गया है। देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मिलता हूँ मैं आपको सुबह। The next day. Good morning, भाई। Good morning. कैसी रही? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींद आई? गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और यार मैं इसलिए भी सोया था आज कि मैं चेक कर पाऊँ कि जो स्लीपिंग बैग की क्वालिटी है वो कैसी है। कल रात को यहाँ पे ठंड हो गई थी 4-5 डिग्री के आसपास, और हमारा स्लीपिंग बैग, मैं नहीं बताऊँगा, जो हमारे स्पेशल गेस्ट है द डेयरिंग हिमाचली कपल, उनसे हम पूछेंगे कि उनके लिए ये स्लीपिंग बैग और ये पूरा सेटअप ठंड में कितना कामयाब था। कैसा लगा पूरा? बढ़िया भाई, मस्त एकदम, मज़ा आ गया। और
स्लीपिंग बैग्स वगैरह मस्त था। मतलब मैंने तो सुबह ही अपनी वीडियो में मतलब सुबह ही बता दिया कि बहुत गर्म है, मैंने बल्कि खोल के दिखाया आपका स्लीपिंग बैग। फ्लीस अच्छा है ना? हाँ, अंदर से ना सॉफ्ट भी है वो, जैसा अपना दूसरा आता है वो डेथलन वाला, वो उसमें क्या होता है ना ठंड सी लगती है थोड़ी देर बाद में, तो होता है गर्म लेकिन ठंडा रहता है थोड़ा बहुत। जैसे तो डिकैथलन वाला जो स्लीपिंग बैग होता है बेस्ट होता है, नो डाउट। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि उसका जो लेयरिंग है वो थोड़ा सा, जब आप जैसे ही अंदर जाओगे उस टाइम बहुत ठंड लगेगी, वो कपड़ा जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है इसलिए शायद। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इसमें जो कपड़ा जैसा मैंने आपको दिखाया भी था वो भी ऐसा है कि जैसे अंदर जाओगे एकदम कोजी कोजी सा। मेरे लिए तो बेस्ट था। तो अभी हम यहाँ से प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा एक ये जो पूरा ग्रो विलेज है झिक्कड़ गाँव उसको देखने का, पैदल पैदल चलते हैं, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करेंगे। चलो इसको रख देते हैं। तो हम चल पड़े हैं मॉर्निंग वॉक पर। मैम आपको नींद अच्छी आई? बहुत अच्छी। हालांकि इनको स्लीपिंग बैग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था तो हमने इनको रजाई दे दी थी। आदर्श, हाँ आदर्श भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको नींद अच्छी आई? बहुत अच्छी। कल आदर्श भाई जल्दी सो गए थे। तो अभी हम चल रहे हैं झिक्कड़ गाँव का सैर सपाटा करने। एक बारी मैं आपको इधर से अपने कैंप्स का व्यू दिखाता हूँ। ये एंट्री है, हालांकि ये भी एंट्री नहीं है, एंट्री हमारी वहाँ पर है, वहाँ से हम इधर आएंगे। और ये गेट है, इसको अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो देखो यहाँ पे हमारे सारे कैंप्स लगे हैं। ये पूरा गेहूँ का खेत है ना? अभी गेहूँ लगा है, कल को कुछ और भी लगा देंगे इसमें। ये देखो यहाँ से नज़ारे, पूरा जंगलों के बीच बस हमारे कैंप। तो यहाँ पर देखो ये साइड साइड में टी प्लांट है। जैसा आपको पता है कि धर्मशाला में टी प्लांटेशन बहुत ही फेमस है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, इधर पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ये हमारा कर्मण्य। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर एक झूला बना हुआ है जिस पे हम झूला झूलेंगे। तीन बने हैं। और कर्मण्य जा रहा है नीचे, क्या करने जा रहे हो तुम? पत्थर लेने? मैं नहीं आऊंगा नीचे, इससे मैं वैसे नहीं कभी। ये देखो ये कहाँ तो कैसे, अच्छा ऐसे ही आओगे नीचे? भाई उधर छिल जाएगा सब। नीचे से उतर जाना। हमारी जो मॉर्निंग वॉक होती है वो यहीं पर समाप्त होती है, अब मॉर्निंग ड्राइव हो जाएगी। डॉलर कम जॉइन अस। तो ये नया रोड बन रहा है धर्मशाला को हमारे कैंपिंग साइट से। ये जो रोड है, अगर हम धर्मशाला जाएंगे तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर में हम धर्मशाला पहुँच सकते हैं। तो बस हम वही चेक करने जा रहे हैं कि क्या प्रोसेस है। डॉलर सर्दी हो जाएगी तुम्हें। तो हम आ गए ऊपर जंगलों में, ये रास्ता ऊपर धर्मशाला के पास जा रहा है और डॉलर भाग गया बंदरों को दौड़ाने। तो अभी हम वहाँ पर थे और वहाँ से चलते हुए हमारी पूरी पलटन यहाँ को आ गई है। ये रास्ता जा रहा है धर्मशाला को। हम बहुत जल्दी नहीं आ गए? तो एक पॉइंट पे हम पहुंचे हैं जहां से ये पूरा धौलाधार रेंज और ऊपर है ना मैक्लोडगंज, उधर वो पॉइंट के पीछे दिख रहा है ना? हाँ, इसके जस्ट पीछे मैक्लोडगंज है और ये पूरा स्टेप कट फार्मिंग। तो यहां पर हम चढ़े तो ऊपर से थे, ऊपर वाले रास्ते से, लेकिन हम आ रहे हैं इस रास्ते से। ये पूरी पगडंडी बनी हुई है, ये पूरा ट्रैकिंग ट्रेल है ऐसे। राम से। कभी आप आते हो तो यहाँ पर ओए। तो कभी आप अगर इधर आते हो तो इधर आपको भी ट्रैकिंग कराएंगे, इधर आप भी फोटो वीडियो ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है जो ऊपर धर्मशाला पास को जा रहा है। तो अब हम वापस जा रहे हैं और डॉलर आज आगे बैठा है मेरे साथ अभी। तो हम वापस आ गए अपने कैंप साइट पे और अब हम कुक करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ऑमलेट चीज़ स्लाइस। सुनने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप तैयार है। जैसा आपको पता है लास्ट टाइम, वैसे अगर आपको याद होगा तो हमने जो अंडे निकाले थे हमने अपने फार्म के निकाले थे, लेकिन ये मार्केट का है, ये अपने फार्म का अंडा नहीं है। और आदर्श भाई शुरू है अपना गेम में। अभी मुर्गियों ने हड़ताल कर रखा है। ये देखो हमारे दो दो चूल्हे लग गए हैं और क्या बढ़िया सेटअप लग रहा है दोनों चूल्हे लग के।
तो यहाँ पर हमने चाय भी बना ली, हमारा चीज़ ऑमलेट भी बन गया। चाय मैंने, गठबंधन की चाय है लेकिन जो मेन पार्टी है वो मेरी है, क्योंकि सब काम मैंने किया, बस मैंने लोगों से राय ली है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये विंड रेजिस्टेंस है कि हवा बहुत तेज़ आएगी तो ये चूल्हा जलेगा नहीं, इसीलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। बाकी बस एक और चीज़ ऑमलेट बनाना है, देन वी आर गुड टू गो। सही बन गई ऐसे तो, रील डालनी हो तो। अरे भाई नाइस, सही बन गई ना। खा रखी, खाओ। तो हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और द डेयरिंग हिमाचली कपल अब हमें गुड बाय कहने वाले हैं। अब ये अपना यहाँ से आप जाएंगे कहाँ? कहाँ कहाँ जगह? बीर बिलिंग भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि वहाँ पर से पूरे इंडिया का सबसे खूबसूरत पैराग्लाइडिंग होता है। और कभी अगर आप आओगे तो हम ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि हम यहाँ से बीर बिलिंग जाएं और ये हमें वहाँ मिल जाए। बिल्कुल पक्का मिलेंगे। हाँ। आइए आप। तो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा सब कुछ? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब सीधे सीधे बोले तो जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है, और दूसरा आपका जो रात को हमने सो के देखा वो भी हो गया। मतलब ठंड है ना जिस हिसाब से, तो ठंड भी नहीं है। मतलब जो आपके स्लीपिंग बैग हैं और जो टेंट है वो काफ़ी बढ़िया है, कोजी है, मतलब ठीक है। तो खाना पीना भी बढ़िया है, और उसका फ़ायदा ये है कि बना भी सकते हैं और मतलब ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ठंड ज्यादा है। हाँ, मुझे वैसे भी ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन किसी को ज्यादा ठंड लगे। हाँ, तो लेकिन भाई ने इसको जो है एक एक्स्ट्रा कंबल दे दी थी। हाँ, दे दिया था। हाँ, तो चलेगा काम। तो सबसे बड़ा जो डाउट होता ना लोगों को, हो भी रहा है कि कपल या फिर फैमिली यहाँ पर आने, लड़के लड़के के लिए तो है, फैमिली के लिए तो है ये, लड़के तो वैसे भी आ जाएंगे, लड़के का तो लड़के तो कहीं भी चले जाते हैं, फैमिली यहाँ पे। फैमिली देखो ना, साथ में घर है, साथ में मतलब सब कुछ है, इधर उधर गाँव है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अगर कभी आप आते हो, आपको अगर खुदा ना खास्ता मेडिकल इमरजेंसी की भी ज़रूरत पड़े तो भी वो यहाँ से बिल्कुल पास है, यहाँ से मार्केट बहुत पास है। हाँ, हम 5 से 10 मिनट में यहाँ पे मेन मार्केट में पहुँच सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर फैमिली होगी ना तो पूरा दिन यहाँ पर आप देखो कितना मतलब एकदम चहल पहल, बढ़िया बैठ के एंजॉय कर आराम से। आपने देखा होगा कि जब मैं अपने सिस्टर के साथ आया था, सुग्गी के साथ, वो कितना ज़्यादा यहाँ पर खुश थी, खेल रही थी। तो कभी आपका दिल करे तो आप आ जाओ, अभी हम यहीं पर हैं। नहीं, पक्का आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ। ये स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है। बाकी गाइज आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हिमाचली कपल को, हिमाचली कपल के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है, और डी के ठाकुर YT और रंजू डॉट ठाकुर। अरे भाई आप तो याद कर ठाकुर में शायद RRR है ना? नहीं, K है। तो आप इनको फॉलो कीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत जोरदार है, बहुत डेयरिंग है कि यार आप लद्दाख में जाके, स्पीति में जाके, जहाँ पे लोगों को रूम के अंदर ठंड लग रहा है, ये वहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं और सुबह उठ के कह रहे हैं यार देखो मेरे गाड़ी के शीशे में बर्फ जम गई। तो ये सारी चीजें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, इंडिया में बहुत कम लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। तो प्लीज इसको इनको सपोर्ट कीजिएगा, और थोड़ा बताइएगा इनको कि SJ Vlogs के थ्रू से आए, इनको भी लगे कि चलो ठीक, कमेंट जरूर करिएगा अगर आ रहे हैं लव फ्रॉम SJ Vlogs। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग आए, फिर आइएगा, न्यू ईयर में भी आइएगा, ठीक है? पूरी कोशिश करेंगे भाई हम। अभी इनको सी ऑफ करने का टाइम आ गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पर पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द कैंपिंग के नए एपिसोड्स के साथ, नए लोगों के साथ, नए स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।